तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फोन के बारे में दोस्तों, जिसकी प्राइसिंग है 500 रुपए और वो एक 4G फीचर फोन है दोस्तों। जी हाँ, जियो फोन की तरह 4G फीचर फोन है, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों को 500 रुपए की कीमत में मिल सकता है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो कौन सा फोन है वो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में, और तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सनी कुमार और आप देख रहे होते हैं एस हिंदी चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। भाई लोग, अब तो शांत हो गए होंगे, मतलब एकदम चौकन्ना, मतलब भौचक्के हो गए होंगे इस प्राइस को सुनकर। 500 के रुपए की कीमत में, मतलब 500 रुपए की कीमत में आपको एक 4G फीचर फोन मिल रहा है। मतलब फीचर फोन तो चलता है, 3G वाला, 3G नहीं 2G वाला मिल जाता है 500 रुपीज में। लेकिन जो कि 4G फोन है, मतलब जियो फोन आता है 1500 रुपये की कीमत में, और 500 रुपये की कीमत में कौन सा फोन दे रहा है, ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग। और माइक्रोमैक्स का भारत का वन भी आता था, जो कि 2000 रुपये की कीमत के आसपास था दोस्तों, तो भी एक महंगा फोन था 500 रुपए की हिसाब से। तो दोस्तों, जो कि एक गूगल का आप नाम जानते होंगे, गूगल बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा कंपनी है। तो दोस्तों, जो कि गूगल है, उसने अपना फोन लॉन्च कर दिया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में उसने अपना फोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है गूगल विज फोन WP006। तो दोस्तों, इसका मॉडल नाम भी मैंने बता दिया है, जो कि एक 4G फीचर फोन है, जियो फोन की तरह दिखने में भी सेम जियो फोन की तरह दिखता है। और इसका जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी दोस्तों काई ओएस दिया गया है, जो कि जियो फोन में था, और जियो फोन की तरह इसमें 4G फीचर, मतलब 4G इंक्लूडेड है। और उसके बाद मैं बता दूं, इसमें आप लोगों को वही 512 MB की रैम मिलती है, 4GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और उसके बाद कैमरा वही आपको 2 MP का रियर कैमरा, और फ्रंट कैमरा आपको मिलता है VGA कैमरा, वही 200 स्क्रीन साइज भी सेम है, सभी चीजें सेम दी गई है। बहुत सारे चीजें इसमें आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे गूगल असिस्टेंट का इसमें आपको फीचर मिल जाएगा, और बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब से वीडियो प्ले कर सकते हो, जियो के सारे ऐप को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि काईओएस का दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि जियो के सभी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 500 रुपए की कीमत में फोन काफी किल करने वाला है जियो फोन को। जियो फोन 2 तो वैसे किल हो ही चुका है, कोई ले ही नहीं रहा है, लेकिन जियो फोन 1 तो किल हो ही जाएगा। तो दोस्तों, जो जियो फोन है वो तो किल हो जाएगा, लेकिन एक बुरी बात है कि अभी तक ये इंडिया में आया नहीं है, और ये इंडिया में आएगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। इंडोनेशिया में जब लॉन्च हुआ है उसका दोस्तों, मतलब प्राइसिंग इसमें, मतलब इंडोनेशिया में जब लॉन्च हुआ उसका प्राइसिंग था 99,000 IDR। मतलब इसको आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज से तो लगभग 500 रुपए के आसपास ठहरता है दोस्तों। तो 500 रुपए की कीमत में काफी तहलका फोन ये हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए जियो फोन यूजर्स को बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर स्विच करते हैं इस गूगल में, गूगल वाले फोन में, तो सस्ता में तो आपको मिल जाएगा 500 रुपीज में। लेकिन अब जियो का जो रिचार्ज 50 रुपए वाला कराते हो, मतलब 49 का रिचार्ज होता है ना 49 रुपए वाला, उसको अगर इसमें आप कराते हो तो काम शायद नहीं करेगा, क्योंकि जियो फोन में ही वर्क होता है दोस्तों। और जियो फोन इतना पागल तो नहीं है, मतलब जियो वाले इतने पागल तो है नहीं कि जियो फोन से हटाकर इसमें भी, मतलब जियो फोन के साथ साथ इसमें भी वो ऑफर लागू कर दे, जिससे इनका फोन ही बिकना बंद हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको रिचार्ज तो 98 रुपीज वाला ही कराना पड़ेगा। तो उसमें आप लोगों को तो रिचार्ज में थोड़ा देखना पड़ सकता है, लेकिन फोन एक वर्थ है दोस्तों, काफी कम प्राइस में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो सही में 500 से 600 रुपए की कीमत में लॉन्च होगा, ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन देखते हैं इंडिया में आता है कि नहीं दोस्तों। तो मेरे साथ इसीलिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, जिससे मैं अगर ये लॉन्च होता है इंडिया में तो आपको बताऊं वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, ज्यादा लंबा वीडियो को खींचेंगे नहीं, छोटा सा बात था तो जल्दी खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मेरे साथ बने रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय। बाय बाय।